पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों की तकलीफ में अपना साथ देने के लिए कदम बढ़ाया है। एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने जिलाधिकारी से मिलकर दवाइयों की एक खेप लोगों की मदद के लिए सौंपी है। इस दौरान कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव भी जिलाधिकारी के सामने रखे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने खुशी जताते हुए जल्द ही सुझावों पर कार्य करने की बात कही है। एसोसिएशन के सतपाल पुगला ने बताया कि इस महामारी को सभी के सहयोग से ही निपटाया जा सकता है और सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी इस महामारी का सामना किया जा सकता है। 1000 पैकेट हमने दवाइयों के बना के गए थे हमारे अध्यक्ष जी श्री अजय गुप्ता जी सीएल गुप्ता से, अब्दुल अजीम साहब हमारे ट्रेजरार और मैं था और एक अब्दे लाई हमारे एक्टिव मेंबर हैं। हम लोगों ने उनको 1000 पैकेट 100-100 सेट का एक एक कार्टन लगा के 10 कार्टन उनको पैक करके दिए और ये भी उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर और ज़रूरत हो तो एसोसिएशन उन्हें और मदद करने को तैयार है। दूसरा, मैंने उनको एक ये भी प्रपोज़ल दिया है कि शमशान घाटों में लकड़ी गीली आ रही है, जो लकड़ी के एक्सपोर्टर हैं उनके यहाँ बहुत वेस्ट निकलती है। मैंने सीएल गुप्ता से 3-4 ट्रक लकड़ी 2 शमशान घाटों में भिजवाई थी, एक लोको शेड पे और एक रामगंगा विहार। विच साहब ने एक ट्रक भेजा, एक ट्रक चोपड़ा साहब संजय चोपड़ा जी ने भेजा, हेमंत जुनेजा ने भेजा। अभी मेरी अपील और जारी है। इसके अलावा हम लोग मदद कर रहे हैं, एक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है जो लवारिस लाशों को और गरीब लोगों की मदद करती है, उनको हमने फाइनेंशियल काफ़ी हेल्प करी है। उनको और प्रॉमिस किया है कि आपको और पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, मगर मजबूरी ये है कि फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले एक महीने से बंद हो गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन मुरादाबाद की सारी फैक्ट्रियों में हेल्ड अप हो गया है। उन्होंने कहा है कि ज़रा सा ईज होगा तो हम थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन, अगर अस्पतालों की डिमांड कम होती है तो हम ऑक्सीजन जो सरप्लस होगी वो फैक्ट्रियों को देंगे। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बगैर प्रोडक्शन करीब करीब सारी फैक्ट्रियों में हेल्ड अप है, मगर इस वक्त पहले आदमी की जान बचाना ज़रूरी है। बायर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ऑक्सीजन की वजह से जो डिले होगी उसको आपको बियर करना पड़ेगा। कोशिश जारी है और एक उनसे डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि मुरादाबाद की करीब करीब सब फैक्ट्रियों में एक आरटीपीसीआर जांच करा ली जाए, ताकि अगर कोई कोविड का पेशेंट फैक्ट्री के अंदर है जो हमें नहीं पता लग पाएगा, वो जांच से ही पता लगता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक निकल रहे हैं जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती बट कोरोना का लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं, इसका प्रसार ज़्यादा ना हो इसलिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करते हैं। तो वहीं एसोसिएशन के अब्दुल अजीम ने भी अपना सुझाव सभी के सामने रखा और सभी से सहयोग करने की अपील की है। डीएम साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारी संस्था की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था कि पुरानी एसोसिएशन जो है वो दोबारा खड़ी हो गई है। लोग आप वही पुराने हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत नेक ख्याल उन्होंने दिए हमें कि भाई आप लोग हमेशा जब भी हम आवाज़ उठाते हैं फौरन हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और ये गांवों में दवाएं पहुंचना बहुत ज़रूरी थी और जिन लोगों को उन्होंने हमेशा मदद करी है कस्बों में और छोटे गांवों में जहां पर दवा नहीं पहुंचती या कंबल पहुंचते थे, जहां पर उन लोगों को ये दवाएं पहुंचाई जाएंगी ताकि ये लोग जो हैं जो बिल्कुल जानकारी नहीं रखते और टेस्ट नहीं करा सकते या बिल्कुल कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते ऑनलाइन वगैरह जानते नहीं, उन लोगों तक ये दवाएं पहुंचवा रहे हैं वो, और हमने उनका जो है
थैंक्स करा कि साहब जब भी आप हमें बुलाएंगे, जब भी कोई कमी ऐसी होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, हर आपदा में खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।